मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरास्ता अग्रवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया बिंदु लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री के बारे में बताया था, आज मैं आपको कंपेरेटिव और सुपरलेटिव इन दोनों डिग्रीज के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो अवस्थाएं होती है वो तीन होती है, पहली पॉजिटिव, दूसरी कंपेरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री के अंतर्गत मैंने आपको बताया किसी एक व्यक्ति या वस्तु के गुण का प्रकटीकरण होता है, अथवा दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुणों में समानता को बताते हैं। ये आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अब मैं नई डिग्री चालू कर रहा हूं, दूसरी डिग्री है कंपेरेटिव डिग्री। तो देखिए, कंपेरेटिव डिग्री इसका अर्थ क्या होता है? तुलनात्मक अवस्था। अब हम देखते हैं अर्थ क्या होता है इसका, तुलनात्मक अवस्था। और तुलना किसी में होती है, दो व्यक्ति अथवा दो वस्तुओं के गुणों में तुलना होती है कि दोनों में से कौन बढ़िया है और कौन खराब है, दो में ही तुलना की जाती है। तो देखिए, यह वह अवस्था होती है, इसमें लिखते रहे, यह वह अवस्था होती है जिसमें दो व्यक्ति अथवा वस्तु जिसमें दो व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों में तुलना करते हैं, दो व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों में तुलना करते हैं। तो क्लियर है, कंपेरेटिव डिग्री जो होती है उसके अंदर क्या की जाती है, दो व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों में तुलना हम करते हैं। तुलना कैसे करते हैं, जैसे राम सोहन से अच्छा है, वह उससे ज्यादा सुंदर है, से ज्यादा, तो यहां पर से आता है। देखिए, कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनती है, कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए, कंपेरेटिव डिग्री बनाने के लिए मूल शब्द में ER जोड़ते हैं, मूल शब्द में ER जोड़ते हैं, अथवा शब्द से पूर्व मोर का यूज करते हैं, शब्द से पूर्व मोर का यूज करते हैं। जैसे वाइज, वाइज की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, वाइज की होती है वाइजर, वाइज का क्या है वाइजर, टाल, टाल का होता है टालर। तो इस प्रकार से ईआर जुड़ गया, हेवी, हेवी की होती है हेवियर, एच ई ए वी आई ई आर। तो इन्हें अपन ने क्या जोड़ा बताओ, ईआर, यहां पर वाई आ रहा है इसलिए Y के पहले कॉन्सोनेंट है, इसलिए Y को हटाकर हमने I लिख दिया और ER हमने यहाँ पर जोड़ दिया। किस प्रकार से मोर लिखते हैं, जो लंबा शब्द होता है टुकड़ों से मिलकर बनता है उसमें हम मोर जोड़ते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, यहाँ दिया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर, मोर ब्यूटीफुल। ऐसे डिफिकल्ट, डी आई डबल एफ आई सी यू एल, डिफिकल्ट, इसका क्या बनेगा, मोर डिफिकल्ट। तो हमको डिग्री को याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको बनाना की आवश्यकता है, किस प्रकार से बनती है, या तो ईआर जुड़ता है या तो सबसे पहले हमको मोर लगाना होता है, ये कंपेरेटिव डिग्री बनती है। अब कंपेरेटिव डिग्री के बाद
किसका यूज किया जाता है, इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि कंपेरेटिव डिग्री बाद में क्या लेते हैं, वाइज का वाइजर, टाल का टालर, हैवी का हैवियर, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट। अब आप यदि आपने नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले और मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, ये विशेष ध्यान रखना है कि सेंटेंस में जब हम यूज करते हैं तो कंपेरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज करेंगे। देखिए किस प्रकार से करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं। ये सेंटेंस बता रहा है, सेंटेंस में कंपेरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं तो देन लगाना हमारे लिए क्या है, आवश्यक होता है। जैसे जयपुर इज वाइडर देन कोटा, यहां पर देन का जो अर्थ निकलता है वो निकल से, देन कोटा है कोटा से, जयपुर इज वाइडर देन कोटा, इस प्रकार से आता है। कंपेरेटिव डिग्री बाद देन का यूज करते हैं, शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, देन हर सिस्टर। तो आपने देखा इस प्रकार से हमने कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज किया। अब जो तीसरे नंबर की डिग्री आती है उसे हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। बोलो क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री इसका अर्थ होता है हमारा उच्चतम अवस्था। पहली थी मूल अवस्था, दूसरी थी तुलनात्मक अवस्था और तीसरी जो हमारी क्या है, उच्चतम अवस्था। तो यह वह अवस्था होती है, यह वह अवस्था होती है जिसमें जिसमें दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं में तुलना करते हैं, दो से अधिक व्यक्तियों व वस्तुओं में तुलना करते हैं। ध्यान रखें इसमें तुलना कंपेरेटिव में हो रही है और तुलना सुपरलेटिव में भी होती है, लेकिन अंतर क्या है कि कंपेरेटिव में केवल दो व्यक्ति या दो वस्तु होते हैं जबकि सुपरलेटिव में दो से अधिक चाहिए, दो भी नहीं चलते, दो से अधिक, ये ध्यान करें। अब कंपेरेटिव कैसे बनाते हैं हम देखेंगे, कंपेरेटिव डिग्री को कैसे बनाते हैं। जिस प्रकार से हमने कंपेरेटिव डिग्री में ER जोड़ा था, अब हम सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, इसमें ध्यान करें। सुपरलेटिव डिग्री को जब बनाते हैं तो उसमें हम EST जोड़ते हैं। देखिए सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम मूल शब्द में EST जोड़ते हैं, मूल शब्द में EST जोड़ते हैं या शब्द से पहले मोस्ट लिखते हैं।
मोस्टली सेम वही नियम है जो कंपैरेटिव में था। अंतर इतना था कि उसमें ईआर जोड़ा था तो सबसे पहले हमने मोर लिखा था, इसमें ईएसटी जुड़ता है तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, मोस्ट। और अंतिम बात कि सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व, ये भी ध्यान रखना है, सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व हम द का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो हम देखिए तीन बातें पढ़ने ध्यान में रखिए। पहली ध्यान हमने रखा है कि कंपैरेटिव में दो व्यक्तियों में तुलना होती है, सुपरलेटिव में दो से अधिक। कंपैरेटिव में ईआर जुड़ता है, सुपरलेटिव में ईएसटी जुड़ता है। कंपैरेटिव में सबसे पहले मोर लगता है, इसमें सबसे पहले मोस्ट लगता है। और जो शब्द जुड़ता है कंपैरेटिव के बाद देन आता है, सुपरलेटिव में सबसे पूर्व दा का यूज करता है। ये सारी बातें मैंने क्लियर की है, जैसे किस प्रकार से यूज करेंगे, द बेस्ट, द मोस्ट, द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द मोस्ट फेथफुल, द मोस्ट फेथफुल। इसका मैंने दा का यूज किया तो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, दा। जैसे लिख दिया, राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। इस प्रकार हम पूरी कक्षा से तुलना किए राम की, कि पूरी कक्षा के विद्यार्थियों में तुलना करके पता लगाया कि सबसे अच्छा विद्यार्थी कौन है, राम। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री का यूज किया गया, सुपरलेटिव डिग्री। इस प्रकार से हम सुपरलेटिव डिग्री को यूज लेते हैं। शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल, शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन हर फैमिली, family। तो शी इज द मोस्ट अट्रैक्टिव गर्ल इन हर फैमिली, वह अपने परिवार में सबसे अधिक सुंदर लड़की। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की डिग्री होती है जिससे हम तुलना कर पाते हैं या फिर सामान्य वर्णन करते हैं, समानता प्रकट करते हैं। ये डिग्री ऑफ कंपेरिजन बिंदु मेरा कंप्लीट होता है। आशा है आपके तीनों डिग्रियां समझ में आ गई होंगी। अब मैं, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। धन्यवाद।